सो गाइस ये है क्लास 11th और 9th के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके जो सप्लीमेंट्री थे क्लास 9th में दो सब्जेक्ट्स में एंड क्लास 11th में एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री होती है, ठीक है। वहीं अगर क्लास 9th में तीन सब्जेक्ट में हो गए तो फेल माना जाता है, और क्लास 11th में दो सब्जेक्ट में हो गए तो फेल माना जाता है। देखिए जून के पहले सप्ताह में होगी 9वीं 11वीं की परीक्षा, पूरक परीक्षा सप्लीमेंट्री परीक्षा। तो क्या इसमें न्यूज है, जागरण रीवा जिले के लगभग सभी विद्यालयों में 9वीं 11वीं वार्षिक परीक्षा कर दिए गए हैं। यह परिणाम बीमर्स पोर्टल पर गत 5 अप्रैल तक अपलोड हो गया, तो विमर्श पोर्टल पर चेक कर सकते थे। बाकी स्कूल से आप पता कर सकते थे यदि उसका रिजल्ट आ गया होगा। 17/2023-24 की इस मुख्य परीक्षा में जिन छात्रों का नाम हुआ पूरक है उनके लिए से पूरक परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। यह पूरक परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर ही होगी। जिले के प्रत्येक विकासखंड उत्कृष्ट विद्यालय में पूरक परीक्षा का केंद्र बनाया जाएगा। इस बाबत संचालनालय से निर्देश जारी हो चुके हैं। जारी निर्देश के तहत पूरक छात्रों की जानकारी DEO संचालनालय को देंगे। इसके आधार पर जिलेवार प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। पूरक परीक्षा के प्रश्न पत्र भी थानों में जमा होंगे, जहाँ से विषयवार परीक्षा दिनांक को प्रश्न पत्र प्राप्त किए सकेंगे। जून के प्रथम सप्ताह में ही पूरक परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है, जिससे 30 जून के पहले मूल्यांकन उपरांत परीक्षा के बाद परिणाम जारी हो सके, ताकि 1 जुलाई से संबंधित छात्र नवीन यानी नई कक्षा का अध्ययन आरंभ कर सके। बता दें कि विगत 6 मार्च से आरंभ 9वीं 11वीं की परीक्षाएं 23 मार्च को समाप्त हुई। इन दोनों कक्षाओं की मुख्य परीक्षा का परिणाम 1 अप्रैल गुजारे हुए, जिसमें कई छात्र पूरक हुए हैं। तो ये न्यूज है, आप देख सकते हैं क्लास 11th की जो परीक्षाएं हैं उन्होंने की जो जून के पहले सप्ताह में होगी, यानी 10 जून वगैरह से आपकी स्टार्ट होने वाली है। इसलिए आप तैयारी करें और समय वेस्ट ना करें, टाइम वेस्ट तो बेटर रहेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम कमेंट करके बता सकते हैं, अपना दे सकते हैं सजेशन कोई होके।